इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. बिलीव मी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन रिएक्शंस का नाम है ESR. क्या है? क्या होता है ESR? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अभी जो पढ़ा वो क्या था? EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. अब क्या पढ़ रहा है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक. सो नाइस ऑफ यू. तो इसकी रिएक्शन जो अपन कराते हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक. क्या होती है बोलो? सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन बहुत कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है. किनकी? अरोमेटिक कंपाउंड की. किनकी है बोलो? अरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है. ठीक है. अब अरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन को अरोमेटिक बोले तो क्या? जब भी दिमाग में अरोमेटिक आता है सबसे पहले किसका? बेंजीन आता है. दिमाग में क्या आता है? बेंजीन. ठीक है. अब बेंजीन पे जो H प्लस लगा है, जो H लगा है, उसको कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के हटा दे. H प्लस चला जाए और इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर के जुड़ जाए. इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर के जुड़ जाए. ये किस तरीके की रिएक्शन हुई? इट इज सब्स्टिट्यूशन. क्या है ये? सब्स्टिट्यूशन है. किसका सब्स्टिट्यूशन? एच प्लस का. किया किसने? ई प्लस. क्या है? इलेक्ट्रोफाइल. इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. H प्लस पट के निकाल लेना है और इलेक्ट्रोफाइल लगा देना है. समझ आया? इस रिएक्शन का एक बार अपन मैकेनिज्म ढंग से डिस्कस करते हैं. क्या डिस्कस करते हैं बोलो? मैकेनिज्म. सबसे पहली बात जो रखना है आपको याद, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का होगा अटैक. कहां पर? बच्चों सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं, फुल टकला बेंजीन. कहीं भी आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हो. बात एक ही है. इस पे पहले से कोई ग्रुप लगा रहता तो वो ऑर्डर देता, ऑर्थो पे जाओ, मेटा पे जाओ, पैरा पे जाओ, तो वो एक अलग बात होती है. ये तो फुल टकलू है, कहीं भी हम जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को. तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे ही इसके पास पहुंचा तो इसने क्या कहा? पाई बॉन्ड को बोला, आओ हमारा स्वागत करो. ठीक है. जैसे सलमान खान बोलते, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ठीक है. तो ये पहुंचा और बेंजीन ने इसका स्वागत किया. कैसे? इलेक्ट्रोफाइल को बुलाने के लिए लोन पेयर ही तो चाहिए. तो लोन पेयर से इसका क्या किया? स्वागत. समझ में आया? क्लियर है. और अगर ऐसा होता है तो क्या बन जाता है? यहां देखो, या तो प्लस आ जाता है और यहां कार्बन ने, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का किया स्वागत, तो यहां पर क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ गया. बोलो ठीक है. ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताऊं? लेकिन एक बार और बताऊं. यू हैव ए गुड क्वेश्चन. अच्छा हो तूने अभी पूछ लिया मुझसे. आई एम रियली इंप्रेस्ड. ये बना पहले, फिर इसने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया. ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, बॉन्ड बन गया. समझ में आया? तो बेंजीन ने, भाई बेंजीन ने स्वागत किया इलेक्ट्रोफाइल का. उसको पता नहीं था कि आगे क्या मुसीबत आने वाली है. ठीक है. बेंजीन अरोमेटिक है, तंदुरुस्त है, सबसे ज्यादा स्टेबल है. लेकिन जब ये इलेक्ट्रोफाइल से आकर के जुड़ा तो ये बीमार हो गया. क्यों? क्योंकि नॉन अरोमेटिक बन गया, अनस्टेबल हो गया. ये क्या है? ये नॉन एरोमेटिक है. ये क्या है? नॉन एरोमेटिक. बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया. क्योंकि ये तो था स्टेबल एरोमेटिक, ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक इज अनस्टेबल. तो फिर क्या करे? बीमार रहने लगा, सुस्त रहने लगा, मायूस रहने लगा. तो फिर जो कार्बोकेटायन है, इसका फर्ज था कि इसको खुश करे. और कुछ हद तक रेजोनेंस इफेक्ट से इसको खुश करने की कोशिश की गई. ठीक है. रेजोनेंस इफेक्ट से ये पॉजिटिव चार्ज कभी यहां तो कभी यहां जा सकता है. समझ आ रहा है? तो ये जो इंटरमीडिएट बना है बीच में, ये बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा. ठीक है. दुखी रहने लगा तो इसको क्या करा? ऐसे स्टेबल करने की कोशिश की गई. कार्बोकेटायन ने इसको बहुत हंसाया, गुदगुदी करी. ठीक है. तो यहां पर रेजोनेंस हुआ. ठीक है. और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हम इसका बना सकते हैं. तो इसको खूब हंसाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये उदास रहने लगा. फिर क्या हुआ? उदास रहने लगा. क्यों?
क्योंकि ये एरोमेटिक से क्या बन गया है, नॉन एरोमेटिक। ये कार्बन क्या है, sp3। मैंने बोला एक भी कार्बन देखो sp3 तो दिल से निकला ना, ना बोले तो नॉन एरोमेटिक, ना बोले तो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो फिर क्या करें, एक्चुअली ये तीनों स्ट्रक्चर जो है इनको एक साथ बनाने का तरीका होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कुछ ऐसा बनता है डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या बोलते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या क्या बोलते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या करें, अभी भी सुधर नहीं रही है स्थिति, उदास है। ठीक है, तो क्या करा, इसको झाड़फूक वाले बाबा के पास ले गए। ठीक है, झाड़फूक वाले बाबा ने देखा, यार ये क्या कर लिया तुमने, क्या हाल बना लिया, ये क्यों हो गया। बोले ये लालच की वजह से हुआ है। ठीक है, ये लालच क्या है, एक कार्बन दो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये लालच छोड़ना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, दान पुण्य से वापस से ये स्टेबल होगा और खुशी जीवन जी पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, यहां से इन दोनों में से किसी एक का दान करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल तो क्योंकि मेहमान है, इलेक्ट्रोफाइल तो मेहमान है। ठीक है, कुर्बानी कौन देता है, जो अपने होते हैं, और अपने तो अपने होते हैं। तो यहां पर कार्बन जो है हाइड्रोजन से बोलेगा मैं तुम्हारा दान करना चाहता हूं, तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है हम चले जाते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का एच प्लस का क्या कर देगा, दान। और दान पुण्य करने से ये क्या होगा, वापस से यहां पर क्या बन जाएगा बताओ, माइनस आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। और अब बेंजीन की स्थिति में सुधार होने लगेगा। ठीक है, और ये वापस से समझ रहे हो अपना जीवन, ताली क्यों बजा रहे हो यार। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, ये कितने स्टेप में होती है, दो स्टेप में। पहला जो स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है। क्यों, क्योंकि कोई भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में जाना नहीं चाहता है। लेकिन ये सेकेंड स्टेप जो है ये फास्ट है। ये सब जो मैंने बोला कि झाड़फूक वाला बाबा ये सब, ये मैंने आपको बेवकूफ बनाया है। ठीक है, एक्चुअल में ये फास्ट स्टेप है। क्यों, क्योंकि इससे दोबारा एरोमेटिक बन रहा है। क्या बन रहा है, दोबारा एरोमेटिक। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि अनस्टेबल बन रहा है। इसलिए ये स्टेप क्या है, कैसे होती है, स्लो होती है। स्लो होती है मतलब धीमे 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 होती है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, आरडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, आरडीएस। समझ में आया, एक्चुअली देखा जाए तो ये रिएक्शन दो स्टेप में हुई, एक स्लो स्टेप है एक फास्ट, एक एडिशन है एक एलिमिनेशन, एक बार जुड़ा एक बार हटा। तो इफेक्टिवली सब्स्टिट्यूट हुआ, कौन सब्स्टिट्यूट हुआ, एच प्लस, इसने कुर्बानी दी है। ठीक है, ये एक्चुअली इस बेंजीन का भगत सिंह है। ठीक है, इसने कुर्बानी दी है, समझ में आया कि नहीं। और ये किसकी वजह से दी है, इसने भारत माता की वजह से। ठीक है, तो भारत माता को ठीक है अपने साथ सर पे मतलब बिठाना चाहता था, और इसीलिए ये सब फालतू बातें हैं। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और एच प्लस बाहर होगा। ठीक है, करो कॉपी करो। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पक्का। इसका ये जो हाइब्रिड बना है इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको लिखने से पहले हम बच्चों कुछ इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, एग्जांपल। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। सबसे पहला है नाइट्रेशन। क्या है नाइट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है बोलो। बेंजीन की रिएक्शन को हमने कराया किससे, किससे कराया, HNO3 और H2SO4 से। तो अब हर रिएक्शन में जो मेहमान है वो बदलेगा, लेकिन रिएक्शन का नेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, जो मेहमान है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल।
और H प्लस क्या है, शहीद भगत सिंह, ठीक है। H प्लस क्या है, शहीद भगत सिंह, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कंपाउंड है, एक HNO3 है और एक क्या है, H2SO4 है। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो H प्लस देता है, जो वीक होता है वो उसको गेन करता है, वो उसको गेन करता है। समझ में आया? तो यहां पर HNO3 जो है वीक है, इसके पास OH ग्रुप है, तो ये H प्लस को क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। जानते हो ना आप, जो स्ट्रांग होता है उसका नेचर तो वही रहता है, लेकिन जो वीक होता है उसको अपना नेचर बदलना पड़ता है। जैसे कि कपिल शर्मा शो में, ठीक है, कपिल शर्मा स्ट्रांग है, वो अपना नेचर रखता है, लेकिन डॉक्टर गुलाटी नहीं, एक वो जो कृष्णा, उसको लेडी बनना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर भी H2SO4 स्ट्रांग है, ये एसिड रहेगा, और जो HNO3 है वीक है, ये H+ गेन करता है, ठीक है। और H+ गेन करने वाले पार्टिकल को क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। समझ में आया? तो HNO3 H+ को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, तो क्या बन गया, बेस पर। ये सारे बच्चे गलत करते हैं। इस रिएक्शन में H2SO4 क्या है, बोलो, एसिड, क्या है, एसिड, एसिड। और HNO3 क्या है, राइमिंग इज गुड बट आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, तुम्हारी राइमिंग सही थी। तो बेस है, क्या है, बेस है। समझ में आया? तो ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस है। समझ में आया, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो क्या होता है, अनस्टेबल, ठीक है। यहां से क्या होगा, वाटर का लॉस, क्या बन जाता है, H2O, और क्या बन जाता है, NO2+, क्या बन जाता है, NO2+। तो यहां पर मेहमान रेडी है, ठीक है। नाउ द गेस्ट इज रेडी। अब गेस्ट क्या करेगा, बेंजीन के पास जाएगा, ठीक है, और ये जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रॉन रईस है, रिच है, इससे भीख मांगेगा, माते मला भूख लागला, माते भिक्षा दिया, ठीक है। टू प्लस क्या पहुंचेगा इस पर, दो स्टेप रिएक्शन होगी, पूरी तो नहीं लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं, तो दो स्टेप मैकेनिज्म से NO2+ अपनी स्थिति बेंजीन के साथ जोड़ लेगा, और H+ शहीद भगत सिंह यहां से बाहर हो जाएगा, शहीद भगत सिंह यहां से बाहर हो जाएगा। समझ गए? पूरा स्टेप तो नहीं लिखूं, नहीं लिखूं, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा चुके है, गायब हो गया, मैं पढ़ा चुके, दो स्टेप में होता है। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की जगह कौन है, NO2+ है, समझ गए, और सेकंड स्टेप में NO2+ यहां से चला जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? तो अब हमको करना क्या है, हर रिएक्शन में हमको मेहमान जनरेट करना है, हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, और ये बेंजीन के पास जाके बोलेगा, माते मला भूख लागला, माते मला भिक्षा दिया, और वो इसको H+ हटा के, ठीक है, अपनी शरण में ले लेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं, करिए, कॉपी करिए ना। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बच्चों क्या याद रखने की बात है, बोलो, H2SO4 जो स्ट्रांग होता है वो एसिड होता है, जो वीक होता है वो बेस होता है, जो स्ट्रांग होता है वो कपिल शर्मा होता है, जो वीक होता है वो था तो पहले एसिड, लेकिन किसकी तरह बिहेवियर शो कर रहा है, बेस की तरह, था तो कृष्णा, बन गया क्या, कृष्णी, ठीक है, तो बेस की तरह बिहेवियर शो करता है। करो कॉपी, ओके, करें स्टार्ट। ये तो हुई बात नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की। अब देखते हैं बच्चों सेकेंड। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूं, एग्जामिनर आजकल जो है वेरी कनिंग, वेरी कनिंग, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा बुक्स में लिखा है, ये पूछते नहीं है, ठीक है। क्या क्या पूछते हैं नाइट्रेशन में, मैं बताता हूं। कभी कभी एरो के ऊपर ये दे देते हैं NO2+, ये तो लॉटरी है, ये मिल जाए तो मजा ही आ जाए, ठीक है। या फिर H2SO4 की जगह HClO4 दे दें, ये भी उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 जैसा, तो ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, ठीक है।
और बच्चों और भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे दें या फिर ये दे दें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इसका मतलब एक HNO3 H प्लस का काम करेगा और एक बेस का काम करेगा, खुद ही एसिड बन जाएगा, खुद ही बेस बन जाएगा, और क्या जनरेट करेगा H2O और NO2+। इसको क्या बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, जिसे वाटर में होता है, एक मॉलिक्यूल एसिड बन जाता है और एक बेस बन जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं N2O5, जानते हो ना स्ट्रक्चर N2O5 का स्ट्रक्चर जानते हो कैसे ब्रेक होता है, ऐसे NO2+ और क्या NO3-, इससे भी नाइट्रेशन कराया जा सकता है। मैंने बोला वो तो है ही HNO3 H2SO4, कभी कभी ये भी दिया जा सकता है। कभी कभी एग्जामिनर का मन होता है तो ऐसा दे देता है NO2F, इससे भी बेंजीन का नाइट्रेशन करा सकते हैं। ये कैसे टूटता है F- और NO2+, समझ में आ रहा है NO2+ और क्या F-। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं समझ में, पक्का? जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो सन्नाटा छा जाता है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं, फालतू बातें करो, फिर देखो कैसे सब हंसते रहते हैं। ठीक है, इसमें देखो अगर अपन ये लेते हैं NO2ClO4, NO2ClO4, ठीक है, तो ये ब्रेक होता है किसमें, टूट जाता है NO2+ ClO4- में। क्लियर है? तो ये सब तरीका है जिससे हम बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं। एक ही बात ध्यान रहे, NO2+ बन गया उसके बाद जाएगा बेंजीन के पास और H+ को हटा के खुद लग जाता है। समझ गए? करो कॉपी, करो करो जल्दी से, एक बार फिर से, एक बार जरा इसके इधर आओ तुम। तो ये स्टूडेंट, इसकी रिकॉर्डिंग जानी चाहिए बच्चों के पास। तुम कहां गए थे? चेन्नई। yes. कहां गए थे? इधर आओ जरा। चेन्नई में क्या करने गए थे? नहीं, कहां पर? एड्रेस बताओ। नहीं नहीं, पहले ये बताओ कौन से, कौन सी पढ़ाई करने गए थे? एक मिनट, मेरा गला घुट जाएगा, पास आ जा। हाँ वो ठीक है। क्या, कौन से कॉलेज में गए थे पढ़ाई करने? निपेड मेडिकल कॉलेज। ओके, तो प्राइवेट है वो? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज? यस। तो फिर तू वापस यहाँ नीट की तैयारी क्यों करने क्यों आया? एडवांस कार्डियोलॉजी करना, तो MBBS करना ही। MBBS का तो वहाँ क्या होता है, BHMS? फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, ओके। अब ये बताएंगे कि ये वहां पर कहाँ रहते थे, बताओ पूरा एड्रेस। हाँ पूरा एड्रेस बताओ, और ये क्लास खत्म नहीं होनी चाहिए एड्रेस बताते बताते। కెలంబగమ్మ కోవబాలమిషన్ నిప్పేడ కాలేజ్ ముత్తుకాడు నీరస సేల్ పెట్రోల్ పంప్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఓకే డాడీ చెయ్యే థ్యాంక్ ఓకే తో యే తో బాత్ హుయి కిస్కి నైట్రేషన్ కి అబ్ హమ్ దేఖ్తే హై ఆగే యే సబ్ మై క్యూ కర్తా హు బతా తుమ్ లోగ్ కాపీ కర్నే మే ఇత్నా టైమ్ లగా మై క్యా కరూ मैं ये सब करता हूं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम हैलोजनेशन। मेरे टांग में दर्द हो रहा, तो फिजियोथेरेपी कुछ सीख के आया है क्या? हैलोजनेशन Cl2 और AlCl3। क्या लिखते हैं? Cl2 और AlCl3। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन और HCl। एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये आप बार बार ऑर्थो पे क्यों लगा देते हो? ये ऑर्थो है? इनकी वो कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि सारे एक जैसे हैं। ठीक है, और तो नहीं है ये। दूसरी बात, ये कैसे बना? तो Cl2 की रिएक्शन किसके साथ?
AlCl3 के साथ, किसके साथ? AlCl3 के साथ। ओके तो ये क्या होगा, क्लोरीन, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, और धीरे 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 क्लोरीन के साथ दोस्ती कर जाएगा ये, सॉरी एल्यूमिनियम के साथ, जानते हो ना आप एल्यूमिनियम इज सेंट्रल मेटल एटम, और ये लिगेंड की तरह इससे जुड़ जाएगा। तो कैसे ब्रेक होगा ये, यहां पर एल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है माइनस चार्ज, इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज, तो ये किसमें ब्रेक होगा, सीएल प्लस, और किसमें, एल सी एल फोर माइनस। मेहमान आ चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाएगा किसके पास, बेंजीन के पास, किसके पास, बेंजीन के पास, आप जानते ही हो बेंजीन के पास जाएगा, तो ये क्या बोलेगा बेंजीन से बताओ, नहीं इस बार तमिल में बोलेगा वो, आमा आमा नहीं अयर नहीं वेत्तु स्वामी वेणु गोपाल, इतनी देर में तो रिएक्शन हो जाएगी, तू खत्म करेगा इससे पहले, आमा आमा सापड़िया सापड़िया नहीं सापड़ी सापड़ी भूख लगी है ना, ओके चलो अपना वो मराठी अच्छा था, माते मला भूख लगेला, माते मला भिक्षा दिया। तो ये क्या करेगा, बेंजीन से जाके जुड़ जाएगा, और बेंजीन H प्लस डोनेट करेगा हमारा भगत सिंह, ठीक है, कुर्बानी, समझ गए। तो ये हेलोजनेशन का अच्छा तरीका है, बेंजीन से NO2 लगाया, बेंजीन से क्लोरीन लगाया, मजा आया, बड़ा मजा आया, ठीक है, करो कॉपी करो, इजी है ये हेलोजनेशन, सबने पहले पढ़ा था, ओके हेलोजनेशन, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े बच्चों। ये थोड़ी ऐसी चीज है जो पहले समझ लें, एक दो लेक्चर तक कैसा भी क्वेश्चन, गारंटी है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत हो, गारंटी, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन थोड़ा एक दो लेक्चर पेशेंस रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म अपनी माहिती है, क्या है माहिती, ठीक है, तो इसमें क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिया सीएल टू एल सी एल थ्री, वैसे सीएल टू क्या आ सकता है, एफ ई बी आर थ्री, सीएल टू एफ ई सी एल थ्री, सीएल टू क्या बार बार सीएल टू लिखा है, बी आर टू एल बी आर थ्री, एल सी एल थ्री तो ले ही लिया अपन ने, और सीएल टू जेड एन सी एल टू, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा ध्यान से सोचना कि इसका क्या होगा एसिडिक मीडियम, बताओ सोच सकते हो, अब तो आपको इतना सिखा दिया, अब तो दिमाग चलना चाहिए, ओपेल ओन पेयर है, ये एच प्लस है, बेबी को बेस पसंद, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ओ एच एच प्लस, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बना लेगा, एच टू ओ और सी एल प्लस, ठीक है, एच ओ बी आर प्लस एच प्लस, क्या टूट के बनाएगा बताओ, एच टू ओ और बी आर प्लस, ये सब क्या जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये बेंजीन से जाके दो स्टेप में रिएक्शन करा सकते हैं, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम, कॉपी कर पा रहे हो आप, कर पा रहे हो, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा आज जो भी लिखा है, ठीक है, और बताओ, नेक्स्ट क्लास से बोर्ड पे पढ़ाता हूं, मैं समझ रहा हूं दिक्कत है, इसमें क्या मुझे पीडीएफ बनाने में बार बार लिखने में मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है, इसलिए आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्लास से ग्रीन बोर्ड, ठीक। बी आर सी एल कैसे टूटेगा, बी आर सी एल कैसे टूटेगा बोलो, बी आर प्लस और सी एल माइनस, ठीक है, समझ रहे हो, ओके बच्चों ये बताओ क्लियर है, ये कभी कभी ऐसे डायरेक्ट देते हैं सीएल प्लस बी आर प्लस आई प्लस, मजा आएगा, ठीक है,
डायरेक्ट बेंजीन से जोड़ देंगे और H प्लस को बाहर कर देंगे। क्लियर है? तो बच्चों मैं और दूसरे टीचर की क्लास नहीं खाना चाहता हूं, इसको कॉपी कर लो, मैं इसकी पीडीएफ भी भेज रहा हूं। ओके, बाय बाय।